अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारामद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए, और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आज हम लोग पहले सवाल की तरफ आते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, शिबली की तसनीफ सीरतुल नबी की तकमील किसने की? ए है सैयद सुलेमान नदवी, दो है अब्दुल माजिद दरियाबादी, तीन है मौलाना अब्दुल हई और चार है मौलाना जकाउल्ला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, सैयद सुलेमान नदवी ने इसकी तकमील की है। नेक्स्ट सवाल है, सबरस किस ज़ुबान में लिखी गई है? ए है अवधी में, दो है दक्षिणी में, तीन है ब्रज में और चार है तमिल में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, दक्षिणी ज़ुबान में सबरस जो दास्तान है वो लिखी गई है। नेक्स्ट सवाल है, तनकीद क्या है का मुसन्निफ़ कौन है? ए है आल अहमद सुरूर, दो है मजनू गोरखपुरी, तीन है कलीमुद्दीन अहमद और चार है काजी अब्दुल वदूद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, आल अहमद सुरूर। तनकीद क्या है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आल अहमद सुरूर ने लिखा है। नेक्स्ट सवाल है, मार्कसी तनकीद की इब्तदा किस दौर में हुई? ए है अलीगढ़ में, दो है रोमानी तहरीक में और तीन है जदीदियत में और चार है तरक्की पसंद तहरीक में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा, तरक्की पसंद तहरीक में मार्कसी तनकीद की इब्तदा हुई है। नेक्स्ट सवाल है, हयात जावेद किस शख्स की सवाने हैं? तो एक है सर सैयद अहमद खां, दो है जावेद इकबाल और तीन है शिबली नोमानी और चार है गालिब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, सर सैयद अहमद खां। ये सर सैयद अहमद खां की सवाने हैं। और आप लोग कमेंट सेशन में ये बताइएगा कि ये हयात जावेद किसने लिखा है, तो आप लोग इसे कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट सवाल है, अलफारूक का मुसन्निफ़ कौन है? तो एक है सर सैयद, दो हैं शिबली, तीन है अब्दुल माजिद दरियाबादी और चार है आल अहमद सुरूर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, अल्लामा शिबली नोमानी मुसन्निफ़ है अलफारूक के। नेक्स्ट सवाल है, तेरे रुखसारो का दो चश्म के हैं आशिक ज़ार, गुल जुदा सर जुदा नरगिस बीमार जुदा। इस शेर में कौन सी सनात है? तो ए है तजनीस, दो है मरातुन नज़ीर, तीन है लफो नशर मुरत्तब और चार है सनत तबाक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन, लफो नशर मुरत्तब। नेक्स्ट सवाल है, ड्रामा खेती किसका ड्रामा है? तो एक है मोहम्मद मुजीब का, दो है मंटू का, तीन है कृष्णचंद्र का और चार है बैदी का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, मोहम्मद मुजीब का है ड्रामा खेती। नेक्स्ट सवाल है, आखिरी तोहफा किसका अफसानवी मजमूआ है? एक है मुमताज़ मुफ्ती का, दो है कृष्णचंद्र का और तीन है खदीजा मस्तूर का और चार है प्रेमचंद का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा, प्रेमचंद का। जो आखिरी तोहफा है यह अफसानवी मजमूआ है प्रेमचंद का। नेक्स्ट सवाल है, आब हयात का मुसन्निफ़ कौन है? ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी है शिबली नोमानी और चार है सर सैयद अहमद खां। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक किस सदी की तहरीक है? एक है 19वीं की, दो है 20वीं की और तीन है 18वीं की और चार है 21वीं की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, 20वीं सदी की तहरीक है ये। नेक्स्ट सवाल है, जैसे कि 20वीं सदी का कैसे हुआ, 1936 में इसका आगाज़ होता है, 1936 या 35 में। तो जब 1900 स्टार्ट हो गया तो यहाँ से ये 1936 में तरक्की पसंद तहरीक है, तो यहाँ पे जैसे 1901 लग गया या 1900 के बाद जब भी आएगा तो वो 20वीं सदी होगा, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो 20वीं सदी होगा। नेक्स्ट सवाल है, शेरुल अजम का मुसन्निफ़ कौन है? तो एक है अब्दुल माजिद दरियाबादी, दो हैं शिबली नोमानी, तीन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और चार है इमदाद इमाम असर। तो
तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा। अल्लामा शिबली नोमानी शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं। नेक्स्ट सवाल है, मसनवी फूलबंद किसकी है? ए है नुसरती की है, दो है गवासी की है, तीन है इब्ने निशाती की है और चार है वजही की है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन होगा, इब्ने निशाती की मसनवी है फूलबंद। नेक्स्ट सवाल है, यादगार हाली किसने लिखी है? एक है गालिब ने, दो है सर सैद ने और तीन है हाली ने और चार है सालह आबिद हुसैन ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा, सालह आबिद हुसैन ने लिखी है यादगार गालिब, यादगार हाली। और यादगार गालिब किसने लिखा है? तो वो हाली ने लिखा है। नेक्स्ट सवाल है, बंजारा नामा किसकी नज्म है? एक है नज़ीर अकबर आबादी की, दो है चकबस्त की और तीन है शाद अजीम आबादी की और चार है अख्तरुल ईमान की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, नज़ीर अकबर आबादी की। और नज़ीर अकबर आबादी एक ऐसे नज़्म निगार हैं जो मुश्तरका तहजीब के नज़्म निगार माने जाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ मुश्तरका तहजीब का मतलब है हिंदू और मुसलमान दोनों की नज़में पाई जाती हैं। और ये एक ऐसे नज़्म निगार हैं जिनका किसी भी दबिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है, ये किसी भी दबिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मुसद्दस मद्द जज़्र इस्लाम का शायर कौन है? तो एक है जोश, दो है हाली, तीन है नज़ीर और चार है इकबाल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, मुसद्दस मद्द जज़्र इस्लाम ये हाली ने लिखा है। नेक्स्ट सवाल है, हयात ले के चलो कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो, ये शेर किस शायर का है? एक है फैज़ का, दो है मजरूह का, तीन है मखदूम का और चार है मजाज का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन होगा, मखदूम मुहिद्दीन का है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस पर स्टार बना लें। नेक्स्ट सवाल है, शायर मशरक किसे कहा जाता है? एक है मखदूम को, दो है जोश को, तीन है मजाज को और चार है इकबाल को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा, इकबाल को। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो बहुत इजी, लेकिन बार बार एग्जाम में आता है, तो इसलिए आप लोग इस पे ऐसे सवालों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम आसान समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं लास्ट में, यही हमारी। नेक्स्ट सवाल है, शोला व शबनम किसकी तसनीफ़ है? एक है जोश की, दो है अख्तरुल ईमान की, तीन है आनंद नारायण मुल्ला की और चार हैं अली सरदार जाफरी की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, जोश मलिहाबादी की है शोला व शबनम। नेक्स्ट सवाल है, साकी नामा नज़्म इकबाल के किस मजमुआ कलाम में शामिल है? तो एक है बांगे दुरा, दो है पयाम मशरक, तीन है ज़रब कलीम और चार है बाले जिब्रील। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा, बाले जिब्रील में है। तो एक दिन मैं आप लोगों के लिए ये भी वीडियो बना दूंगी कि इनकी कौन सी नज़्म इनके कौन से नज़्म के मजमुए में शामिल है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, तो आपको आने वाली वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, तज़हीक रोज़गार का शायर कौन है? एक है गालिब, दो है सौदा, तीन है मोमिन और चार है ज़ौक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, मतलब सौदा। नेक्स्ट सवाल है, ज़ौक किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे? एक है वाजिद अली शाह के, दो है कुली कुतुब शाह के, तीन है बहादुर शाह जफ़र के और चार है औरंगज़ेब के। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन होगा, बहादुर शाह जफ़र के दरबार से वाबस्ता थे। नेक्स्ट सवाल है, खिलना कुमकुम कली ने सीखा है उसकी आँखों के नीम ख्वाबी से, ये शेर किस शायर का है? एक है मीर का है, दो है सौदा का है, तीन है ज़ौक का है और चार है मोमिन का है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, मीर तकी मीर का है। नेक्स्ट सवाल है, मलिकु शोरा का खिताब किसे अता हुआ? एक है गालिब को, दो है ज़ौक को, तीन है इंसा को और चार है मुसफ़ी को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, ज़ौक को। नेक्स्ट सवाल है, कसीदे के की इब्तदाई अशार के लिए अदबी इस्तेलाह है? एक है सरापा या चेहरा, दो है मदा, तीन है तशबीह और चार है गुरेज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन होगा, तशबीह।
जो कसीदे के इब्तदाई अशार के लिए अदबी इस्तेलाह है वो तशबीह है। नेक्स्ट सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की है? एक है वहीदुद्दीन सलीम ने, दो है मौलवी अब्दुल हक ने, तीन है अकबर अलाहाबादी ने और चार है सर सैयद अहमद खान ने। तो साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो सर सैयद अहमद खान ने गाज़ीपुर में स्टार्ट की थी। नेक्स्ट सवाल है, खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ कौन है? एक है सर सैयद अहमद खान, दो है नज़ीर अहमद, तीन है मौलवी अब्दुल हक और चार है मौलवी ज़काउल्लाह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट सवाल है, मीरामन कहाँ के रहने वाले थे? एक है मुंबई के, दो है दिल्ली के, तीन है अहमदाबाद के और चार है कलकत्ता के। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, दिल्ली के रहने वाले थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे मिस ना करिएगा, क्योंकि मीरामन का अभी मैंने इससे पहले भी एक प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसमें भी ये चीज़ पूछा हुआ था, तो आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। नेक्स्ट सवाल है, हूरी किस नावल का किरदार है? एक है गबन का, दो है इसरार माबिद का, तीन है गऊदान का और चार है निर्मला का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन होगा, गऊदान का है। नेक्स्ट सवाल है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की है? एक है 18वीं, दो है 20वीं, तीन है 21वीं और चार है 19वीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा, 19वीं सदी की ये तहरीक है। नेक्स्ट सवाल है, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, ये किसका मिसरा है? तो एक है मीर अनीस का, दो है दबीर का, तीन है फराक का और चार है जोश का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, मीर अनीस का ये मिसरा है। नेक्स्ट सवाल है, मुआज़ने अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? एक है शिबली की, दो है हाली की, तीन है आज़ाद की और चार है नज़ीर अकबर आबादी की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, अल्लामा शिबली नुमानी की है। और अल्लामा शिबली नुमानी की पैदाइश 1857 में और वफ़ात इनकी हुई है 1914 में। तो आप लोग ये बताइएगा कि 1914 में और किसकी वफ़ात हुई है, कमेंट सेशन में आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, मर्सिया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? एक है फ़ारसी, दो है अरबी और तीन है तुर्की और चार है हिंदी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, अरबी ज़ुबान का है। इसी तरह से आप लोग मुझे बताइएगा कि उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसे आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, जोश का पूरा नाम है? एक है बशीर अहमद खां, दो है नज़ीर अहमद खां, तीन है शब्बीर हसन खां और चार है बख्तियार खां। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन होगा, बशीर शब्बीर हसन खां, ये इनका असल नाम है। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू मौला के मुदीर कौन है? तो एक है सर सैयद अहमद खां, दो है मौलवी मोहम्मद बाकिर, तीन है राशिदुल खैरी और चार है हसरत मोहानी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा, हसरत मोहानी। और आप लोग ये बताइएगा कि उर्दू मौला ये किसके खतूत का मजमुआ है? उर्दू मौला ये किसके खतूत का मजमुआ है? ठीक है, ये अखबार तो है हसरत मोहानी का, लेकिन ये खतूत का मजमुआ किसका है, ये आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, यादों की बारात किसने लिखी है? एक है जोश मलिहाबादी ने, दो है महात्मा गांधी ने, तीन है कुरतुल ऐन हैदर ने और चार है रफ़ात सरविश ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, यादों की बारात जोश मलिहाबादी ने लिखी है। नेक्स्ट सवाल है, आतिशे गुल किस शायर का मजमूए कलाम है? तो एक है फ़ानी का, दो है जिगर का, तीन है यास का और चार है फैज़ अहमद फैज़ का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन होगा, आतिशे गुल, ये जिगर मुरादाबादी का है। नेक्स्ट सवाल है, दबिस्तान दिल्ली का मुसन्निफ कौन है? तो एक है अबुल्लाह सिद्दीकी, दो है ज्ञानचंद जैन, तीन है नूरुल हसन हाशमी और चार है नसीरुद्दीन हाशमी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन होगा, नूरुल हसन हाशमी। दबिस्तान दिल्ली का मुसन्निफ जो है वो नूरुल हसन हाशमी का लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, नासिख का पूरा नाम क्या है? एक है हैदर बख्श हैदरी, दो है खुदा बख्श और तीन है इमाम अली हैदर और चार है इमाम बख्श नासिख। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर
चार होगा इमाम बख्श नासिक। नेक्स्ट सवाल है, मदरसतुल उलूम किसने कायम किया? एक है शिबली नुमानी ने, दो है हाली ने, तीन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने और चार है सर सैद अहमद खान ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा, सर सैद अहमद खान ने। नेक्स्ट सवाल है, दखनी की पहली नसली तसनीफ़ कौन सी है? एक है सबरस, दो है कुतुब मुश्तरी, तीन है फूलबन और चार है करबल कथा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, दखनी की पहली नसली तसनीफ जो है वो है सबरस। नेक्स्ट सवाल है, गुबारे खातिर का शुमार अदब के किस सिंफ में होता है? एक है नावल, दो है मकातीब, तीन है अफसाना और चार है अफसानचे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, मकातीब में शुमार होता है। नेक्स्ट सवाल है, गुलशन हिंद किसकी तसनीफ है? एक है मालिक राम की, दो है मीर तकी मीर की, तीन है मिर्ज़ा अली लुत्फ की, चार है कायम चांदपुरी की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन होगा, मिर्ज़ा अली लुत्फ की है। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली कॉलेज के उस्तादों के में किसका शुमार है? एक है मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का है, दो है मौलवी अब्दुल हक का है, तीन है अल्लामा इकबाल का है, चार है मास्टर रामचंद का है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा, मास्टर रामचंद का है। नेक्स्ट सवाल है, दारुल तर्जमा किस यूनिवर्सिटी से मुतालिक था? एक है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तीन है दिल्ली कॉलेज, चार है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से है। नेक्स्ट सवाल है, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? एक है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, दो है महमूद शीरानी की, तीन है नसीरुद्दीन हाशमी की और चार है नूरुल हसन हाशमी की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, महमूद शीरानी की है। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू किस यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम था? एक है बम्बई का, दो है मद्रास का, तीन है उस्मानिया का और चार है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीन होगा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम है। नेक्स्ट सवाल है, ज़मींदार अखबार के मुदीर कौन थे? तो एक है दया नारायण निगम, दो है हसरत मोहानी, तीन है मौलवी मजीद हसन खां, चार है ज़फ़र अली खां। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा, ज़फ़र अली खां है। ज़ो से ज़फ़र और ज़ा से ज़मींदार, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मुंशी सज्जाद के अखबार का क्या नाम था? तो एक है अवध पंच, दो है ज़मींदार, तीन है इनकलाब और चार है ज़माना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, अवध पंच। नेक्स्ट सवाल है, गर्दिशे रंगे चमन किसका नावल है? तो एक है खदीजा मस्तूर का, दो है कुरतुल ऐन हैदर का, तीन है सालह आबिद हुसैन का और चार है सिद्दीका बेगम सुहारवी का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा, कुरतुल ऐन हैदर का है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक का है, जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया।